परमिशन है दिखाओ कौन दिखाओ देता क्यों दिखाऊं किस को दिखाओ आरटीआई में मांग ले परमिशन आरटीआई में मांग दे यहां नहीं मिला अधिकारी बैठे मारे मेरी भी सिर्फ निकाल यहां कैसे रिपोर्ट कौन है तो कौन कैसे और मेरी परमिशन कैसे रिपोर्ट और बार सबको बात करें कौन की बात है मीडिया के सामने मैं बात अनाउंस करता हूं उसके लिए चेयरमैन ने हमें अपन झूठ बोल पुलिस शर्मा जिला पार्षद वार्ड नंबर 15 से चेयरमैन ने हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जानबूझ के अधूरी वोटिंग कराई वोटिंग अधूरी थी और जो बीच में छोड़ के बात किया तू कौन है पहले तो तू बता तू कौन है कैथल नगर परिषद से सामने आई ये तस्वीरें जनता द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधियों की है हरियाणा में बीजेपी और जेजेजी गठबंधन निभा रही है लेकिन कैथल में दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म को भूलकर एक दूसरे पर ही आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं कैथल जिला परिषद की चौधर को लेकर शुरू से भाजपा और जजपा डटकर एक दूसरे के आमने सामने हैं वहीं आज एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए परमिशन है दिखाओ कौन है दिखाओ देता क्यों दिखाओ किस को दिखाओ आरटीआई में मांग ले परमिशन आरटीआई में मांग दे यहां नहीं मिला अधिकारी बैठे मारे मेरी भी सिर्फ निकाल यहां कैसे रिपोर्ट कौन है तो कौन कैसे और मेरी कैसे कौन है मीडिया के सामने मैं बात अनाउंस करता हूँ उसके लिए चेयरमैन ने हमें अपन झूठ बोल पुलिस शर्मा जिला पार्षद वार्ड नंबर 15 से चेयरमैन ने हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जानबूझ के अधूरी वोटिंग कराई वोटिंग अधूरी और बीच में छोड़ के बात किया भाग आज फिर जिला परिषद के सभागार में हाउस की मीटिंग रखी गई थी जिसमें विभिन्न एजेंट के साथ जिले के सभी पार्षदों को 4 करोड़ रुपए की राशि बांटनी थी मगर हर बार मीटिंग में पलटी मारने वाली भाजपा को इस बार जजपा के पार्षदों ने पटकनी दे दी जिस बीच मीटिंग में उनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई और बिना कोई राशि बांटे ही मीटिंग खत्म कर दी गई। आज हमारी मीटिंग थी जो हमारे विकास कार्य 5,64,00,000 पर आज विकास कार्यों पर मुद्दों पर बात होनी थी जिसमें एजेंडा रखा गया था पहले कि वित्तीय जो ये प्रशासनिक कार्य का है ये किसे दिया जाए लेकिन उन्होंने हमारे जैसे कि उपाध्यक्ष हैं और हमारे मनीष भाई साहब ने उन्हें कई बार बोलने की कोशिश की कि सर हमें बोलना है अध्यक्ष महोदय जैसे की और ADC से भी की लेकिन उन्होंने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा इग्नोर किया इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया फिर वो मुद्दों पर बात होने लगी लास्ट तक जाते टाइम भी बोला भाई साहब ने कि सर एक बार हमारे मुद्दे सुन लो बात कर लो अब भी हो सकती है लेकिन वो उठ के ही चले गए। सभागार में बैठे भाजपा के 15 पार्षदों ने आरोप लगाया कि आज जो हाउस मीटिंग बुलाई गई थी उसमें उनकी ना तो कोई भी बात सुनी गई और ना ही कोई राशि का आवंटन किया गया बल्कि अध्यक्ष के कहने पर प्रशासनिक अधिकारी भी बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए जिसका उन्होंने जोरदार विरोध किया। कोई भी अगर एजेंडा जारी होता है उसके अंदर अगर कोई वित्तीय पावर से संबंधित कोई प्रशासनिक पावर से संबंधित अगर हमने जो है मीटिंग में बात रखनी है उसको जो है पहले से एजेंडे में डाल के बताया जाता है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ चेयरमैन साहब ने बहुमत का अंदाजा लगा करके अपनी परमिशन से मुख्य जो शुरू के 4 एजेंडे थे जो 4 एजेंडे डाल रखे थे उनको छोड़ के और अपने एक पार्षद राकेश खानपुर को अलाउ क्योंकि मैं उनका अलाउ करता हूँ मेरी स्वीकृति से ये जो है वित्तीय पावर मुझे दिलवा सकता है उन्होंने एक सोची समझी चाल से जो है ये रचने की कोशिश की जो कामयाब नहीं है पूरी तरह से हम इसका खंडन करते हैं मीटिंग का। जब तक एजेंडे में वित्तीय पावर की बात नहीं लिखी जाएगी तब तक वो मान्य नहीं होती जबकि हमारे जो मुख्य 4 विकास कार्यों से संबंधित या पिछली जो हमने मीटिंग में एजेंडे जो कार्य दिए थे उनके ऊपर चर्चा करनी थी जो 5.5 करोड़ रुपए अब आए उन पर चर्चा करनी वो छोड़ के चेयरमैन साहब वित्तीय पावर के चक्कर में पड़ गए यहाँ पे प्रशासनिक पावरों के चक्कर में पड़ गए इसका पूर्णतः हम विरोध करते हैं ये गलत था पूर्णतः। इस बारे में जिला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट कर्मवीर कौल ने कहा कि आज जिले के विकास कार्य को लेकर जो एजेंट रखे गए थे उन पर आज डिस्कस होना था मगर मीटिंग शुरू होते ही अध्यक्ष की तरफ से पार्षद राकेश खानपुर ने वित्तीय पावर अध्यक्ष के पास होने की घोषणा कर दी। मीटिंग के एजेंडे विकास कार्यों के जो पैसे लगने हैं उस पर डिस्कशन होना था पहले ही एजेंडा लेके आ गए हमारे राकेश खानपुर जी की ये वित्तीय पावर उनको दी जाती है उसको पार्क कर दिया गया क्योंकि वोटिंग हाउस में ज़्यादा थी और विकास कार्यों पर सिर्फ 2 या 3 समस्याएं सुनकर विकास कार्यों के ये बोल के ख़त्म कर दिया गया कि इसको रिटर्न में ऑफिस में जमा करा दो ये सिर्फ एक मीटिंग फॉर्मेलिटी की रह गई। तो ADC भी बताया जा रहा है कि अधिकारी मीटिंग छोड़ के बीच में जी अधिकारी और सभी ये जितने भी पार्षद कुछ साथी थे हमारे 15 पार्षद साथी यहीं बैठे हैं कुछ अधिकारी ADC साहब और सब उस बीच में मीटिंग में चले गए मीटिंग कम्प्लीट नहीं हुई। मतलब मीटिंग कम्प्लीट क्यों नहीं हुई क्या कारण मानते हैं? एक्चुअली इसके लिए मंशा कुछ और थी मीटिंग विकास कार्य की डिस्कशन करने की मंशा नहीं थी तो इसलिए बीच में ही काम छोड़ के चला गया क्योंकि उनको यह था कि वोटिंग हमारे पक्ष में ज़्यादा है बट एक्चुअली आप देख रहे हो 15 लोग इधर थे
तो वो मनसा क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए बीच में मीटिंग छोड़ के चले। क्या मनसा थी इस तरह की वोटिंग होने की? एक्चुअली इसको ये आज कार्य डिस्कस होना चाहिए थे, कार्य पास होने चाहिए थे। जितने भी हमारे 21 के 21 वार्ड हैं उन सब में समान रूप से कार्य हो, उन कार्य रखें और डिस्कस होना था ये था। लेकिन इसको ही पहले उसमें रख दिया गया कि मैं वित्तीय पावर आम उनको दी जाती है, उनके राकेश खान पर जी द्वारा ये दी गई। लेकिन जैसे ही उनको पता चला संख्या ज़्यादा है, इस विषय को पारक करके और दोस्त में से सुनकर मीटिंग ओवर कर दिया गया। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दीप मलिक अपने पार्षदों सहित मीटिंग समाप्त की घोषणा कर बाहर चले गए और उनके साथ ही जिले के तमाम अधिकारी भी अध्यक्ष के साथ सभागार से बाहर निकल गए और भाजपा के 15 पार्षद उनका मुंह ताकते रह गए। बताते चले कि आज से कुछ महीने पहले जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें जजपा पार्टी दीप मलिक को अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद अपनी किरकिरी होते देख भाजपा ने चेयरमैन दीप मलिक से उसकी वित्तीय शक्ति छीन ली थी। तब से लेकर अब तक सिर्फ दो बार जिला परिषद की मीटिंग हुई है। कहने को तो करोड़ों रुपए की ग्रांट पार्षदों को बांटी गई, लेकिन धरातल पर जिले के विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी। वहीं जब इस बारे में कैथल के एडीसी से बात करनी चाहिए तो वो मीडिया के सवालों से बचे नजर आए और कैमरे को देखकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। पत्रकारों द्वारा बार बार सवाल पूछने पर भी एडीसी चुप्पी साधे रहे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।